अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रूची। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार, जिसमें हम देखेंगे फर्दर के हम अपने नेविगेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नेविगेशन बार को कैसे हम बूटस्ट्रैप के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। नेविगेशन बार जो है वो हमारे पास नेविगेशन हेडर है, जो कि हमारे पास वेब पेज में टॉप के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है। तो हम बूटस्ट्रैप के थ्रू जो नेविगेशन बार है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको कोलैप्स कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन साइज़। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड नेविगेशन बार क्रिएट होता है वो बूटस्ट्रैप की जो क्लास हम यूज़ करते हैं वो नेविगेशन बार डिफ़ॉल्ट से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट इसकी जो एग्जांपल है इसको इंप्लीमेंट करते हैं और इसकी आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास नेविगेशन बार किस तरह की शो होती है। तो मैंने फर्स्ट क्लास नेव की यूज़ की, जो टैग यूज़ किया है नेव का, इसमें मैंने क्लास दे दी है नेव बार डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो अप्लाई होगी। देन मैंने एक डिव यूज़ किया जिसे मैंने कंटेनर फ्लूइड यानी कि फुल विड्थ उसको मैंने दे दी है, उसकी जो विड्थ है। और फिर मैंने क्लास यूज़ की है नेव बार हेडर, जिसमें मैंने उसके हेडर में जो है उसका वेबसाइट का नेम या फिर हम यहाँ पर लोगो सेट कर सकते हैं। और फिर अनऑर्डर्ड जो लिस्ट यूज़ किया है यानी कि जो मेरा मेन्यू क्रिएट होगा वो इस नेव बार में शो होगा, और उसे मैंने क्लास दे दी है नेव बार। इसको सेव करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। मेरे पास ये नेविगेशन बार ये क्रिएट हो गई है और ये इसकी जो विड्थ है ये फुल विड्थ शो कर रहा है। बूटस्ट्रैप हमें इस चीज़ की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर हम इसके डिफ़ॉल्ट नेविगेशन बार को अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो इसके लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव वे है जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड नेविगेशन बार, जिसमें हमारे पास जो उसका बैकग्राउंड कलर होगा वो और जो हमारे पास टेक्स्ट का कलर है वो इन्वर्स उनके शेड्स आएंगे, यानी कि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक आ जाएगा और जो टेक्स्ट या उसमें जो मौजूद कॉन्टेंट है उसका जो कलर होगा वो वाइट शो होगा। तो इसके लिए हम जो क्लास यूज़ करेंगे वो नेव बार इन्वर्स की यूज़ करेंगे। इसको भी चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह हम इसको इन्वर्स कर देंगे। मेरे पास ये जो इसका नेविगेशन बार क्रिएट हो गया वो जो है वो इन्वर्स में आ गया, इन्वर्टेड नेविगेशन बार क्रिएट हो गई। फर्दर अगर हम नेविगेशन बार में भी ड्रॉप डाउन मेन्यूज क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था जब टैब्स और पिल्स को यूज़ करते हुए हमने अपने मेन्यूज क्रिएट किए थे, सो इस चीज़ की फैसिलिटी हमें नेविगेशन बार में भी मिलती है कि अगर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं जो हमारे पास जो लिस्टेड आइटम है उसमें हम जो एंकर टैग्स लगाएंगे उसे क्लोज करने से पहले सब मेन्यू अपना डिफाइन करेंगे और इसमें जो उसकी क्लास असाइन करेंगे वो ड्रॉप डाउन मेन्यू की करेंगे। इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। फर्स्ट वन मेरी क्लास वैसे ही रही है, नेव एलिमेंट जो मैंने यूज़ किया था उसमें जो मैंने नेव बार इन्वर्स जो जैसे पहले यूज़ की एग्जांपल में एज इट इज़ ही रहने दिए। देन मैंने जो दूसरी क्लास अपनी यूज़ की थी डिव के लिए कंटेनर फ्लूइड के लिए ये भी एज इट इज़ ही मैंने यूज़ कर ली। फिर मैंने जो क्लास यूज़ की है डिव नेव बार हेडर इसको भी एज इट इज़ यूज़ किया है लास्ट एग्जाम्पल की तरह। अनऑर्डर्ड जो लिस्ट क्रिएट की है इसमें मैंने क्लास दी है नेव बार नेव और जो फर्स्ट इसका मैंने लिस्टेड आइटम क्रिएट किया है वो होम की है। जो सेकंड मैंने लिस्टेड आइटम क्रिएट किया है उसमें मैंने क्लास दे दी है ड्रॉप डाउन की, क्योंकि मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है। और इसमें जो मैंने एंकर टैग यूज़ किया उसमें मैंने ड्रॉप डाउन टॉगल करवा दिया और उसमें डेटा टॉगल मैंने उसका जो इवेंट है उसकी मैंने वैल्यू बता दी है ड्रॉप डाउन के, जब भी डेटा को टॉगल किया जाए तो उसमें वो ड्रॉप डाउन मेन्यू शो कर दें। और इसमें मैंने जो एज इट इज़ कैरेट साइन यूज़ किया है और इसमें फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ किया है ड्रॉप डाउन मेन्यू का, जो इसमें फर्दर जो सब मेन्यू है वो शो करेगा। और फिर मैंने इसकी लिस्टेड आइटम को क्लोज किया है। देन फिर सेकंड एंड थर्ड लिस्टेड आइटम क्रिएट किए।
पेज को रिफ्रेश करें, हमारे पास जो यहाँ पर आ रहा है इसमें जो फर्दर अगर हम देखें तो सब मेन्यूज क्रिएट हो गए हैं पेज वन के। सो हम नेट बार को भी यूज़ करते हुए जो हमारे पास नेविगेशन बार क्रिएट हो रही है इसमें भी हम सब मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं थ्रू ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लास को यूज़ करते हुए। इसी तरह अगर हम अपनी नेविगेशन जो है बार उसको अलाइनमेंट उसकी जो है राइट साइड पे करना चाह रहे हैं, यानी कुछ मैनेज हम लेफ्ट साइड पे जो है अरेंज करना चाह रहे हैं, कुछ जो है वो राइट साइड पे अरेंज करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इसकी भी फैसिलिटी बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने नेव बार को राइट अलाइन कर दें। सो हम क्लास ऐड करेंगे नेव बार राइट, जिससे मेरे पास जो उसका मेन्यू क्रिएट होगा वो राइट साइड पे उसकी अलाइनमेंट शो करेगा। इसकी एग्जाम्पल भी हम इसमें ऐड करते हैं। मैंने एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट इस कंटेनर फ्लूइड में ऐड की है। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने जो नेव बार दी है वो नेव बार राइट दी है और इसमें दो लिस्टेड आइटम्स क्रिएट किए हैं, और स्पैन मैंने इसमें एक साइन अप और लॉग इन जो मेरे पास दो एंकर टैग्स क्रिएट हुए हैं, इनके जो मैंने ग्लिफिकन्स जो हैं यानी कि जो आइकन्स है यूज़र आइकन और लॉग इन का जो आइकन है वो मैंने क्लास यूज़ की है ग्लिफिकन्स ग्लिफिकन यूज़र। ये मेरे पास बूटस्ट्रैप में इसमें जो क्लासेस भी डिफाइन है जो हमारे पास जो आइकन होते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर ये साइन अप के साथ ये आइकन शो हो रहा है और लॉगिन के साथ भी ये आइकन शो हो रहा है। सो हम ग्लिफिकन्स को भी यूज़ करते हुए अपने मेन्यूज़ में मेन्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं और मेन्यूज़ के साथ हम अपने ये आइकन्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम फिक्स नेविगेशन बार क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास इसकी दो पोजीशंस हैं, यानी कि अगर हम टॉप पे उसको सेट करना चाह रहे हैं, ये बॉटम के पेज पे सेट करना चाह रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप इस चीज़ की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने नेविगेशन बार की पोजीशन को फिक्स कर सकें। और ये हमारे पास जो इसकी जो पोजीशन सेट होगी टॉप या बॉटम पे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द स्क्रॉल पे, जो कि पेज को अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है इनकी पोजीशन पर नहीं आएगा। सो नेव बार फिक्स जो टॉप क्लास है वो यूज़ करेंगे नेविगेशन बार फिक्स टॉप करने के लिए, इसी तरह नेव बार फिक्स बॉटम क्लास हम यूज़ करेंगे नेविगेशन बार को बॉटम पे सेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को बॉटम पे फिक्स करने के लिए। तो इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इस तरह अगर मैं इस पेज में कुछ कंटेंट ऐड कर देती हूँ, इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगी पेज को, तो मेरे पास जो पोजीशन है नेविगेशन जो बार मैंने क्रिएट किया उसकी पोजीशन फिक्स है। इसी तरह अगर मैं इसको बॉटम के ऊपर फिक्स करना चाह रही हूँ तो जस्ट मैं यहाँ पर इसकी जो मेन्यू मैंने क्रिएट किया हुआ है इसमें इसकी पोजीशन कर दूँगी फिक्स बॉटम। सो मेरे पास अब जो मेन्यू यहाँ पर शो हो रहा है वो बॉटम पे हो रहा है शो, और मैं अगर पेज को स्क्रॉल अप या डाउन करती हूँ तो उससे उसकी पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सो हम नेविगेशन जो बार है इनकी पोजीशन को भी बूटस्ट्रैप के थ्रू फिक्स कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। कोलैप्सिंग द नेविगेशन बार, कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो नेविगेशन है वो समटाइम ये होता है कि ज़्यादा स्पेस ले रही होती है स्मॉल स्क्रीन्स के ऊपर, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए उसमें हम नेविगेशन बार को हाइड करते हैं
और तभी हम शो करवाते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। सो उसके लिए हम जो नेविगेशन बार है उसे कोलैप्स कर देंगे कि जब उसे क्लिक करें तो वो तब अपनी इंफॉर्मेशन को शो करे, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन शो नहीं करें। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, इसके लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे क्लास, वो होगी क्लास कोलैप्स की, और नेविगेशन नेव बार कोलैप्स यूज़ करेंगे। दो क्लासेस हमने इसमें यूज़ करनी है, कोलैप्स और नेव बार कोलैप्स को। तो इसको यूज़ करते हुए हम अपने जो नेविगेशन बार क्रिएट कर रहे हैं इसको कोलैप्सेबल बना सकते हैं। इसमें मैंने एक बटन क्रिएट किया है, बटन की टाइप मैंने बटन ही रहने दी। उसमें जो क्लास मैंने दी है वो नेव बार टॉगल दी है। टॉगल क्यों यूज़ करेंगे कि जब हम उसे क्लिक करना चाह रहे हैं, यानी कि स्टेट चेंज उसकी करना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर मैंने इवेंट जो जो मैंने कॉल किया वो डेटा टॉगल का है, और उसमें मैंने उसकी वैल्यू दे दी है कोलैप्स की। जब हम कोलैप्स करें देन वो उसका जो मेन्यू है वो शो करें। और डेटा टारगेट मैंने उसको बता दिया है, एक आईडी दी है नेव बार, और ये आईडी कहाँ पर हमने दी है, जो मेरे पास ये डिव है जिसमें मैंने मेन्यू क्रिएट किया हुआ है, उसमें मैंने ये आईडी पास की है नेव बार। ये आईडी मैंने यहाँ पर डेटा टारगेट में उसे बता दी है कि इस आईडी के जो मेन्यू है उसको कोलैप्स करना है। और इसमें मैंने क्लास दे दी है कोलैप्स और नेव बार कोलैप्स, ये दो क्लासेस को यूज़ किए। और देन फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने सिंपल जो नेव बार क्लासेस यूज़ हो रही थी बूटस्ट्रैप में मेन्यूज क्रिएट करने के लिए, सिंपली इसको यूज़ किया। अब अगर हम इसकी आउटपुट चेक करें और इनको जो अब जब हम इसकी स्क्रीन को रिसाइज करेंगे तो मेरे पास ये सब मेन्यू शो होगा, और जब मैं इसे क्लिक करूँगी तभी ये मेन्यू शो करेगा, अदरवाइज ये मेन्यू शो नहीं करेगा। सो हम कोलैप्सेबल बना सकते हैं इसको यूजिंग बूटस्ट्रैप।